ये दोस्तों 24 से 28 सेशन का जो सिलेक्शन लेटर जो है डाउनलोड लिंक जारी कर दिया गया है, स्टार्ट होना जारी हो गया है। तब ये कैसे स्टार्ट करेंगे, डाउनलोड करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, एडमिशन कब से होगा, सब कुछ हम इसी वीडियो में बताएंगे। आप अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं तो इसमें भी जुड़ सकते हैं, या फिर सभी इन्फॉर्मेशन के लिए ऑफिशियल ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं इसमें। अब इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आपको सबसे पहले इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, इस तरह से आप डायरेक्ट आ जाइए, या फिर आपको जो है किसी ब्राउजर पे आना, यहाँ पे आपको सर्च करना है LNMU। जैसे ही सर्च करिएगा तो उसके बाद इस पर क्लिक करिएगा, फर्स्ट वाले लिंक पे इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो उसके बाद जो है थोड़ा सा वेट करना है। तो जैसे ही ये वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद जो है साइट खुल जाएगी। साइट जैसे ही खुलती है तो उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना होता है। चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं आगे। उसके बाद इस तरह से आता है तो इसको हटाना है, फिर नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक नोटिफिकेशन, पहले दिखेगा उसको डाउनलोड होना होता है, गाइडलाइन फॉर एडमिशन BA BSc Semester 1, इसको डाउनलोड होना, पहले डाउनलोड करना होगा। इसको आप डाउनलोड करिएगा, जैसे ही डाउनलोड, पहले से डाउनलोड था तो हम फिर से एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है, दिखा देते हैं आपको हम, देख लीजिए ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद जो आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करिएगा तब तक वो डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन पोर्टल पे जैसे ही आप आइएगा, नीचे स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, एक मिनट दिखा दे रहे हैं हम आपको। देखिए फर्स्ट सिलेक्शन लेटर UG Semester 1 24 से 28 वाले पर आपको क्लिक करना है। इस वाले पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा, यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन है, कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन आईडी की जगह यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। तो देखिए ये भी डाउनलोड हो गया, ये भी ओपन हो गया। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसको आप रीड कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट सिर्फ बताते हैं, एडमिशन लेटर जो है वो लगेगा जब आप ऑनलाइन किए थे, वो सलेक्शन लेटर और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद CLC या SLC, जो कॉलेज में किए थे CLC और जो स्कूल में किए थे SLC उसको बोलते हैं, और प्रवेश पत्र की छाया प्रति जो लगेगा 12th का, अंक पत्र का 12th लगेगा, मार्कशीट का ओरिजिनल मार्कशीट देना है, उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है 2 फोटो लगेगा, जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र जहाँ लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद प्रोविजनल लगेगा जो माइग्रेशन जो है वो लगेगा, जो बिहार बोर्ड के ना वो सबको माइग्रेशन भी लगेगा CBSE बोर्ड वाले को। अब चलिए वहाँ पे अब हम आपको बताते हैं डाउनलोड कैसे करेंगे। चलिए हम लॉगिन करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह से डिटेल आ जाएगा, आपको पेरेंट सिलेक्शन लेटर पर क्लिक करना है। जैसे पेरेंट सिलेक्शन लेटर पर क्लिक करिएगा तो जो है सिलेक्शन लेटर जो है डाउनलोड होना डाउनलोड हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद इसको डाउनलोड करके प्रिंट करके देख लेना, और जिसका नाम लिस्ट में नहीं आया था तो यहीं पर आपको दिखा देगा आपका नाम आया या नहीं आया। इस तरह से सिलेक्शन लेटर जो होगा नीचे दिख रहा है आपको, हम दिखा देते हैं। देखिए ये सिलेक्शन लेटर है, इस तरह सिलेक्शन लेटर आपको चेक कर लेना आपका आया है या नहीं आया है, यही से आपको पता चल जाएगा आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी दिक्कत है तो आप कमेंट करें, और नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में जुड़ने के लिए भी मैसेज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर जो है 24 से 28 का जो है लिस्ट, प्रथम सिलेक्शन लिस्ट जो जारी किया गया था वो जो है अब रद्द कर दिया गया है। तो अब देखिए उसका हम नोटिस और बताएंगे कब फिर स्टार्ट होगा, और एडमिशन जो डेट था वो आपका जो देखिए 24 से एडमिशन होने वाला था, 24 से लेकर 4 तक, वो जो अभी एडमिशन आपका नहीं होगा। और इस ग्रुप में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम पहले ये नोटिस ग्रुप में डाल देते हैं, जैसे कि आप ये नोटिस को रीड भी कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए हम आपको बता देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, एतद द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि CWJC नंबर 16760 ऑफ 2023 एवं अन्य 20/6/24 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में बिहार अधिनियम 1823 के आधार पर तैयार की गई नामांकन हेतु चयन सूची 4 वर्षीय स्नातक प्रथम सेमेस्टर कला विज्ञान में वाणिज्य 24 से 28 को प्रकाशित की गई तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। बिहार शैक्षिक संस्थान में नामांकन में आरक्षण अधिनियम 2003 अधिनियम और समय समय पर
यथा संशोधित एवं बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के तहत अनुसूचित बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन आरक्षण अधिनियम 2019 के आधार पर तैयार आरक्षण रोस्टर बिंदु के अनुसार नामांकन हेतु पुनः चयन सूची जो है शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। ये जो है रद्द क्यों की गई है हम वो आपको बताते हैं। तो देखिए हमने पहले ही इसमें कुछ दिन पहले यहाँ पे एक नोटिस डाला था, वो हम आपको दिखा देते हैं।